हाय दोस्तों जैसे कि कल मैंने वीडियो बनाया था राजू श्रीवास्तव जो हमारे मशहूर कॉमेडियन हैं उससे जुड़ी एक खबर दी थी कि उनको कार्डिक अरेस्ट हुआ हार्ट अटैक हुआ और कंडीशन नाजुक हो गई तो वेंटिलेटर पर डाल दिया गया है वेंटिलेटर पर डाले वे हुए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अड़तालीस घंटे होने वाले हैं शायद हो भी ना गए हों और बताया जा रहा है कि उनके क्योंकि जब कार्डिक अरेस्ट होता है तो कई बार ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है और उस समय हाइपोक्सिक यानी ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन के डैमेज होने का खतरा रहता है अगर वो ऑक्सीजन सप्लाई काफ़ी देर तक कट ऑफ हो जाए तो ऐसा भी ऐसा कुछ हुआ है शायद राजू जी के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि शायद ब्रेन का ने फंक्शन करना कम कर दिया है और उसी के साथ हार्ट भी वीक हो गया है ये भी बताया जा रहा है वो तो मैंने कल ही बताया था कि ऐसा लगता है कि वो आ, उनका हार्ट की मसल काफ़ी डैमेज हुई है तभी ऐसा होता है जब आपको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है जब पेशेंट फेलियोर में चला जाता है या पेशेंट शॉक में होता है तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है जहाँ पर पेशेंट का बी लो हो जाता है या पेशेंट के लंग्स में पानी भर जाता है तो हार्ट की मसल्स काफ़ी डैमेज हो जाती हैं तो हार्ट के अलावा पूरी बॉडी पर ही असर आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे तो ऐसा ही कुछ हुआ है राजू जी के साथ और हम लोग सब प्रे कर रहे हैं लेकिन नो डाउट कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और अब मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं कर रहा हूँ कि उनकी ब्रेन डेथ हो चुकी है या ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया पर जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से सारा घटना चक्र चल रहा है तो कुछ बहुत अच्छा भी नहीं महसूस हो रहा है ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है उनके साथ दूसरों को हंसाने वाला आज चुप है शांत है किसी को पता नहीं होता आज एक डेथ होती है तो हम उसके ऊपर अपना फलसफा दे रहे होते हैं और कल खुद चले जाते हैं ये स्पेशली कोरोना काल में ये बहुत ज़्यादा हो रही है मैं चाहे वो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं या क्या हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि राजू का राजू श्रीवास्तव जी का जो लाइफ स्टाइल था बहुत हेल्दी था अब पता नहीं पहले से उनको कोई कार्डिक प्रॉब्लम थी या नहीं थी क्योंकि एक जगह मैंने कल सुना कि बताया जा रहा था कि उनको पहले भी कोई कार्डिक प्रॉब्लम थी मुझे नहीं मालूम है लेकिन कुल मिला बहुत ही अफसोसजनक और बहुत ही दुखद है ये सब जो हो रहा है और लेकिन मन है कि बहुत विचलित है और ऐसा लगता है कि शायद उम्मीद की किरणें काफ़ी कम है लेकिन फिर भी प्रे करना हमारा फर्ज है और करना भी चाहिए ठीक है तो वेंटिलेटर पे डालने के बाद कई बार ऐसा होता है मैंने पिछले कुछ टाइम पहले भी वीडियो बनाया था छः सात दिन पहले कि वेंटिलेटर पे डालने के बाद कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन काम करना बंद कर देता है और हार्ट चलता रहता है उस समय फिर ऐसे पेशेंट को आ, मतलब कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रह पाती है कि अगर ब्रेन ही काम करना बंद कर दे तो आप सोचिए कि हार्ट अगर काम कर भी रहे तो आप क्या करोगे आने वाला समय आपके लिए कितना खराब होगा आप सोच सकते हो मतलब आपके पेशेंट के लिए फैमरी के लिए तो है ही है तो ये जो अब उसके बाद फिर हम लोग जब ब्रेन डेथ हो जाती है या ब्रेन पे इतना ज़्यादा असर आ जाता है कि ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो हम अटेंडेंट को बता देते हैं भाई देखिए आपकी इच्छा है आप पेशेंट को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है तो ये बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है चलिए हम सब मिलकर सिर्फ प्रे ही कर सकते हैं शायद कोई चमत्कार हो जाए और हमने चमत्कार होते देखे हैं ठीक है तो लेट्स फॉर द बेस्ट एंड प्रे फॉर राजू श्रीवास्तव थैंक यू राजू आपने हमें इतना हंसाया और किसी को हंसाना किसी को खुश रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी नियामत होती है कि भगवान का दिया हुआ एक ऐसा गुण है ये ऐसा गुण है जो हर एक में नहीं होता और मैं हमेशा बोलता हूँ कि दूसरों का हंसाना दूसरों को चेहरे पे मुस्कान देना अपने आप में ही बहुत बड़ा काम होता है चलो सिर्फ ही कर सकते हैं इसके अलावा हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है थैंक यू थैंक यू वेरी मच